जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2024 के अंतर्गत मुंडन संस्कार के लिए कौन कौन सी तिथियां, कौन कौन से महीने शुभ रहने वाले हैं, कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 2024 में जो मुहूर्त हैं बहुत ही कम मुहूर्त हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले शेयर जरूर करिएगा, सब तक अवश्य पहुंचाइएगा। मुंडन की जो तारीखें हैं 2024 के अंतर्गत बहुत कम तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं। मुंडन संस्कार की कौन कौन सी तारीखें रहेंगे इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य जानकारियां। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार सनातन धर्म के अनुसार 8वां संस्कार है। इसको मुंडन संस्कार, मौजीबंद संस्कार, चौल कर्म, चोड़ा कर्म इत्यादि नामों से जाना जाता है। मुंडन संस्कार विशेष रूप से उत्तरायण काल में ही किया जाता है। उत्तरायण काल मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत होता है। इसके बीच में कभी कभार होलाष्टक पड़ते हैं, होलाष्टक में मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो, शुक्रदेव अस्त हो, तो भी मुंडन संस्कारों के मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तो भी मुंडन संस्कार नहीं किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कई लोग कहते हैं हमने मन्नत मांग रखी है किसी मंदिर में करवाने की, किसी तीर्थ स्थान पर करवाने की। तो आप चाहे किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, उत्तरायण काल में ही मुंडन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि कौन से वर्ष में हम बालक का मुंडन करें, कौन से वर्ष में बालिका का मुंडन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार विषम वर्ष बालक के लिए शुभ माना गया है और सम वर्ष बालिका के लिए शुभ होता है। हर वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं। विषम वर्ष होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, जो भी है विषम वर्ष है, इन वर्षों में ही बालकों का मुंडन करवाना चाहिए। वस्तुतः 3 वर्ष 5 वर्ष के भीतर मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। कई जगह 7वें वर्ष में भी किया जाता है, इससे ऊपर मुंडन संस्कार को नहीं रखना चाहिए, इससे पूर्व ही मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष जब रनिंग वर्ष होते हैं, यानी पहला वर्ष चल रहा है, तीसरा वर्ष चल रहा है या 5वां वर्ष चल रहा है, तो उसी के भीतर किया जाएगा, न कि 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आप मुंडन संस्कार करें। जो वर्ष चल रहा है, 5वां वर्ष यदि चल रहा है, तो उसी वर्ष मुंडन संस्कार किया जाएगा। ऐसा ही बालिका का है। बालिका का सम वर्षों में किया जाता है, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि ये सम वर्ष होते हैं, और इन्हीं वर्षों में बालिका का मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। ये शास्त्र के अनुसार शास्त्रोक्त विधि में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अपने क्षेत्रों की परंपराएं भी होती हैं, लेकिन शास्त्रोक्त यही नीतियां हैं, इन्हीं के अनुसार आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। बात करें कौन से वार में शुभ होता है, तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ हैं। उसमें से भी शुक्ल पक्ष का सोमवार विशेष रूप से शुभ होता है। रविवार का दिन विप्रों के लिए श्रेष्ठ होता है, मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। मंगलवार का दिन क्षत्रिय वर्ण के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ होता है, और शनिवार का दिन वैश्य वर्ण के लिए विशेष शुभ होता है। यदि आप वैश्य वर्ण से हैं, तो शनिवार के दिन भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 वार सब वर्णों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वहीं नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा, चित्रा, रेवती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सत्विशा, ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ होते हैं। इन नक्षत्रों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि आपका सबसे बड़ा बालक है या सबसे बड़ी बालिका है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में व ज्येष्ठ मास में बड़े बालक और बालिका का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ शुक्र अस्त और गुरु अस्त हो तो भी आपको मुंडन संस्कार करने से बचना चाहिए। एक और प्रश्न है आप लोगों का कि माता यदि गर्भवती हो या रजस्वला स्थिति में हो, तो क्या मुंडन संस्कार किया जा सकता है? तो आपको बता दें, शास्त्र के अनुसार माता यदि गर्भवती हो, गर्भ 5 महीने से अधिक का हो, और जिस बालक का आप संस्कार कर रहे हैं वो 5 वर्ष से छोटा है, तो आपको मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। और यदि गर्भ 5
माह से कम है और संस्कारी बालक 5 वर्ष से अधिक है, यानी 7वें वर्ष में बालक का, 6वें वर्ष में कन्या का आप मुंडन कर रहे हैं, तो फिर आप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा, शास्त्र के अनुसार बच्चे का जन्म महीना, जन्म दिन, जन्म वार और जन्म नक्षत्र यदि हो और उसी दिन शुभ मुहूर्त भी हो तो भी हमें बालक व बालिका का मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। जन्म वार, जन्म नक्षत्र और जन्म महीने का आपको त्याग करना चाहिए, उसके उपरांत ही आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 2024 के अंतर्गत मुंडन संस्कार के जो मुहूर्त हैं बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। 24 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 जुलाई 2024 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे और ऐसी स्थिति में 24 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। 6 मई से 2 जून देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हैं, वहीं मानेंगे और होलाष्टक में भी मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन यहां हम आपको सिर्फ तारीखें बता रहे हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको कब मुंडन करवाना है। जनवरी में 25 जनवरी, 26 जनवरी और 31 जनवरी मात्र 3 तारीखें होंगी। फरवरी में आपको बहुत सारी तारीखें मिलने वाली हैं, 1, 5, 14, 15, 19, 21 और 22 फरवरी शुभ तारीखें रहेंगी मुंडन संस्कार के लिए। मार्च में सिर्फ 2 तारीखें होंगी, 14 मार्च और 12 मार्च 2024, ये 2 ही तारीखें हैं, इन 2 तारीखों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। वहीं अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी मात्र 2 ही तारीखें हैं, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल 2024, सिर्फ 2 तारीखें हैं, इन्हीं तारीखों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। उसके उपरांत मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में मुंडन संस्कार के कोई भी मुहूर्त नहीं होंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव अस्त हैं तो अस्त स्थिति में बिल्कुल भी मुंडन नहीं किया जाता है, जल्दी से जल्दी इन्हीं तारीखों में आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। उसके उपरांत यदि आप रह जाते हैं या किसी कारणवश छूट जाता है, जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उन नवरात्रों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। वो नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में, तो 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, ये 3 तारीखें हैं, इन तारीखों में भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं और उसके उपरांत सीधा 2025 में ही आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। तो ये कुछ तारीखें थी 2024 की, क्योंकि बहुत कम मुहूर्त थे इसलिए हमने वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास किया है ताकि आप बाद में परेशान ना हो, इसलिए इस वीडियो को सब तक शेयर जरूर करिएगा। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताइएगा। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कोई यदि प्रश्न आपका है, यदि मुंडन संस्कार से संबंधित कोई प्रश्न है, सार्वजनिक प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले हमारे जो दर्शक हैं वो कहां कहां से हमें देखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और व्यक्तिगत यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा और व्यक्तिगत मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।